हरे ओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले उस ग्रह के विषय में जो ग्रह आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है और आपके जीवन में जो कारक तत्व प्राप्त है इस ग्रह को, वो भी बड़े महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र की। वो शुक्र जो आपके जीवन में आपके लव लाइफ, आपके मैरिज लाइफ, आपके सुखों, आपके सौंदर्य, आपके लग्जरी लाइफ, आपके जीवन में घर, गाड़ी, बंगला, जो भी ऐश्वर्य आप चाहते हैं, जो सुख चाहते हैं, उन सब चीजों को देने वाले। और यदि आप दाम्पत्य हैं, मैरिज लाइफ है आपकी, विवाहित हैं, तब तो शुक्र का प्रभाव आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यदि दाम्पत्य जीवन को आपको बेहतर बनाना है, और खासकर वृषभ वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि थोड़ा कड़वा है परंतु वास्तविकता है कि वृषभ वाले लोग, ज्यादातर लोग विपरीत के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। थोड़ी भी कोई तारीफ कर दे तो बस। तो इसलिए आपके लिए शुक्र और भी प्रभावी क्यों हो जाते हैं कि शुक्र आपके लग्नेश है, आपके राशि से। आइए समझते हैं इस शुक्र के परिवर्तन को। और इस शुक्र के परिवर्तन को यदि आप ऊपर ऊपर से देखेंगे तो कुछ और दिखेगा, पर थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो कुछ और दिखेगा। आइए समझते हैं सबसे पहले ग्रह स्थिति को, और फिर आगे समझेंगे हमें क्या फल मिलेगा, फिर उपाय भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र का परिवर्तन 6 नवंबर को रात्रि में 3:31 में होने जा रहा है, यानी कि 7 तारीख लग चुकी होगी। यह शुक्र का परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति की राशि, मूल त्रिकोण राशि वृषभ में होने जा रहा है, और यह गोचर बड़ा ही दिव्य योग बनाने जा रहा है, जिसे परिवर्तन योग के नाम से जानते हैं लोग। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति इस समय शुक्र की राशि वृषभ पर गोचर कर रहे हैं, और अब शुक्र खुद देव गुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र का परिवर्तन तो होता ही रहता है, परंतु अब एक अच्छी बात और भी देखने को मिल रही है कि शुक्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अपनी नीच की राशि को छोड़ के अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पहुंचेंगे कहां पर, अब उच्च की राशि पर। पर एक चीज पहले मैं कंफर्म कर दूं, अभी उच्च की राशि में नहीं है, अभी धनु राशि में है, देव गुरु बृहस्पति की राशि, अपने शत्रु की राशि पर। क्योंकि इसी तरह का जो है तो वक्तव्य था मेरा, और उसमें किसी ने कमेंट किया था, संभवतः उन्होंने जल्दी में सुना था इसलिए कंफ्यूजन हो गया था कि आप उच्च की राशि में कह रहे हैं और शुक्र इस समय नीच की राशि में, जो कि वृश्चिक राशि में। तो इसलिए कई बार जब कंफ्यूजन हो जाए तो वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिए तो क्लियर हो जाता है। यानी कि अब शुक्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपनी उच्च की राशि की तरफ, अभी है नहीं। चलिए, तो ये परिवर्तन योग जो बन रहा है, इसको थोड़ा सा यदि आप समझने की कोशिश करिए तो ये बहुत ही दिव्य है। कैसे कि आपके एक लग्नेश है और देव गुरु बृहस्पति आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, और आपके लग्नेश खुद कहां पर गोचर कर रहे हैं, आपके अष्टम भाव में। जो कि नॉर्मली आप देखेंगे तो अष्टम भाव में जब कोई ग्रह एकत्रिक भाव ही कहलाता है, और साथ में ये आपके दूसरे त्रिक भाव के, यानी षष्ठेश हैं ये, और लग्नेश भी हैं। तो यदि षष्ठेश अष्टम में आ जाए ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समस्या बन जाती है, परंतु लग्नेश भी हैं ये, इसलिए यहां पर दूसरा प्रभाव होता है। अब इसके और गहराई में यदि आप जानने की कोशिश करें तो आपको एक तो नैसर्गिक मैत्री समझना होगा, देव गुरु बृहस्पति की ये शत्रु हैं, परंतु शुक्र के शत्रु नहीं है देव गुरु बृहस्पति, यानी कि शुक्र नहीं मानते हैं पर देव गुरु बृहस्पति मानते हैं। नैसर्गिक मित्रता की बात हो गई। फिर आप यहां पर तात्कालिक मैत्री में जाए
फिर पंचधा मैत्री में जाएं तो रहस्य समझ में आएगा, कुछ और ही स्थिति बनने जा रही है। तो आइए समझते हैं कि हमें क्या फल मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि आप भ्रमित थे, आप अपने जीवन में समझ नहीं पा रहे थे, निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये यदि स्थिति आपके जीवन में किसी विषय में बनी हुई थी तो ये समस्या अब दूर होने वाली है, यानी कि आपका भ्रम दूर होगा और आपको मार्ग दिखेगा कि कौन सा मार्ग सही है, यानी कि सही मार्ग दिखने वाला है। साथ में जो लोग बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क का काम करते हैं और खासकर यदि शुक्र से प्रभावित क्षेत्र हो तब और भी ज्यादा प्रबल संभावना, या तो देवगुरु बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र हो रिसर्च का, तो प्रबल संभावना बन जाएगी कि आपको अपने रिसर्च में सफलता मिले। इसके अलावा जो लोग गुप्त रोग से संबंधित रोगों से ग्रसित हैं, उनके लिए यह समय अपने गुप्त रोग से मुक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत उचित समय है। साथ में यदि आप विदेश में अस्थाई निवास चाहते हैं, उसके लिए भी ये समय बहुत सही है। अस्थाई निवास प्राप्ति में शुक्र और देव गुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन योग आपको सहयोग करेगा। साथ में आप ये भी देखेंगे कि आप अपने जीवन में कर्ज से, ऋण से, लोन से यदि परेशान हैं, उसमें कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलेगी। पूरी तरह से खत्म हो जाए ये नहीं कहा जा सकता, पर हाँ राहत देखने को मिलेगी। आपको ये भी देखने को मिलने वाला है कि आप अपने जीवन में यश प्रतिष्ठा को प्राप्त कर पाएंगे। परंतु थोड़ा सा और यदि हम अब कुछ और भी विषय समझें तो इसमें यह है कि आपको किसी से वाद विवाद नहीं करना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि लड़ाई झगड़े में पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान होने वाला है। थोड़ा सा आपको योग प्राणायाम करते रहना है, जो कि स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं स्थितियां सुधरेंगी, परंतु ध्यान भी रखना होगा। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यात्रा कर रहे हैं, यदि कोई भी यात्रा हो और खासकर लंबी यात्रा हवाई जहाज की यात्रा हो, तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए यात्रा करते समय। तो देखा जाए तो ये जो शुक्र का परिवर्तन प्रिय दर्शकों है तो कई तरह के लाभ आपको देने वाला, परंतु कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं भी, उन्हें ध्यान रखना है, सावधानियां हैं। अब रही बात कि आपको उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए सबसे बढ़िया है और सरल साधन है कि आप, अब वैसे तो ये चीज मैं कई बार बता चुका हूं तो लोगों को क्लियर हो चुकी होगी, कि आपके जो इष्ट हैं उनकी आराधना करिए और साथ में महिलाओं का सम्मान करिए। महिलाओं का इस समय सम्मान करेंगे, हमेशा ही करिए, पर इस समय विशेष रूप से। कोई कन्या हो आपके आसपास कहीं हो, कई घरों में कन्या रहती हैं, तो उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको कुछ मीठी चीज खिलाइए, है ना, तो उससे आपको काफी ज्यादा सहयोग मिलेगा। कन्या का आशीर्वाद लीजिए और महिलाओं का सम्मान करिए और अपने इष्ट की आराधना करिए, क्योंकि कन्या देवी का स्वरूप मानी जाती है और देवी का आशीर्वाद मिलेगा तो शुक्र महाराज का सहयोग भी आपको और बढ़िया मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, यदि व्रत त्योहार से संबंधित आप जानकारी चाहते हैं, कौन सा व्रत कब है, जैसे अभी भैया दूज आने वाली है, भैया दूज कब मनाई जाएगी, क्या उसका सही समय रहेगा और भी महत्वपूर्ण बातें, तो वह सब जानकारी दूसरा चैनल है चिंतामणि व्रत त्योहार, मैं कई बार कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर चुका हूँ उसकी वीडियो, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, तो वहां पर जाके आप विजिट कर सकते हैं, वहां पर व्रत त्योहार से संबंधित जानकारी उस चैनल में आपको मिलती रहेंगी। अभी YouTube में ही खाली चैनल है, जल्द ही Facebook में भी उसका पेज बन जाएगा, तो आपको Facebook में भी जानकारी प्राप्त होने लगेगी। कमेंट में अपने इष्ट की जयकारा लगाइएगा और साथ में बहुत ही जल्द
आने वाले समय में शनिदेव से संबंधित जानकारी प्राप्त होने वाली है तो उसे अवश्य देखिएगा, क्योंकि शनिदेव का परिवर्तन और भी ज़्यादा प्रभावी लोगों को करता है। और इसके पहले ये मासिक राशिफल बन चुका है, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि कई लोगों को मैं देखता हूँ कई बार कि लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या प्रभाव कैसे प्रभाव, क्योंकि समझिए कोई ग्रह अच्छा कोई बुरा, तो ये कन्फ्यूजन रहता है। तो मासिक राशिफल अभी बना है जस्ट इससे पहले ही, आप अवश्य अपना मासिक राशिफल देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।